I get it. I can speak. So the whole process started around 5 years back. एक दिन मैं अपने मदर के साथ बैठा हुआ था. She has heard it, तो इनके लिए repetition होगा. मेरी मदर के साथ बैठा हुआ था, तो ऐसे ही बैठे बैठे discussion शुरू हुआ चाय पे. My father is a doctor. My grandfather was a doctor. So I'm third generation. And मैं उनसे question किया कि my nana, my father and my grandfather had a very early death. Father was 54 years and my grandfather was 56 years. And my nana nani and my dadi, they nana was 92, nani was 94 and dadi was 98. So, what is the difference between these two sets of people? Papa was a doctor, my grandfather was a doctor, and ye log ek sabrant dehati parivar se thi. Mummy ne bola ki bada simple cheez tha. Papa was American trained doctor, wo American ho gaye the. Your grandfather was a British trained doctor, wo British ho gaye the. Aur nana nani aur dadi wo desi Indian the. खाते पीते परिवार. तो ये हेलो तो सही क्या आवाज हो अरे सुंदर है बंद कर काम कर बंद नहीं है आपको अच्छा तक काम कर ये अभी शुरू किया है बंद कर जा रहे हैं एकदम से मैंने मदर को बोला कि आई वॉन्ट टू डू वॉट माई दादी वॉज डूइंग बिकॉज माई फादर वॉज इन देयर ग्रैंड फादर वॉज इन देयर सो आई वुड डू वॉट माई दादी डिड बिकॉज दादी स्टेड विद मी फॉर 25 ईयर्स तो एकदम से नेक्स्ट डे से मम्मी ने बोला कि सुबह 3 बजे दादी उठती थी तुम 3 बजे उठोगे तो अपना 3 बजे नहीं उठ सकता मैं 4 बजे उठ जाऊंगा दादी ये खाती थी तुम खाओगे मैं बोला मैं वही खाऊंगा दादी इस समय सोती थी तुम सोओगे भैया सुनो अरे इसको बंद करा के आ जाओ ये एक पार्ट था जो कि मेरे थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा झिझोड़ा बिकॉज आई एम ए प्रैक्टिसिंग फिजिशियन एम्स में और सिर्फ बीमारियों का इलाज करते हैं और हो सकता है कुछ ना कुछ बीमारी अंदर मेरे भी हो एज अ डॉक्टर मैं अभी डायग्नोसिंग पर अपेरेंटली अपने को हेल्दी फील करता हूँ और जो दूसरा प्रोसेस था कि जो पेशेंट मेरे पास शुरू में प्रैक्टिस में आए मैं अपने बेस्ट पॉसिबल उनका इलाज किया वो कुछ ठीक हो गए कुछ ऐसी बीमारी के साथ आए कि मैं उनको ट्रीटमेंट दिया बट 5-6 साल में वो एक और नई बीमारी या उसी बीमारी में डोजेस को बढ़ाना पड़ा फिर 5-6 साल के बाद आए फिर उनके डोजेस को बढ़ाना पड़ा तो मैं उनकी बीमारी को अपने बेस्ट पॉसिबल मेडिकेशन से रोक नहीं पा रहा द प्रोसेस ऑफ डिजीज वॉज कंटिन्यू जैसे एक डायबिटिक पेशेंट आया उसकी डायबिटीज की मेडिसिन को बढ़ाना पड़ा उसको हाइपरटेंशन शुरू हो गया उसको हाइपरटेंशन के लिए मुझे कुछ देना पड़ा उसको कैटरैक्ट हो गया उसको कैटरैक्ट के लिए मतलब एक सिलसिला चलता रहा कई हजार पेशेंट में ये रिपीट हो रहा था तो ये भी मुझे क्लिनिकली कौन रहा था कि मैं कुछ ऐसा करूं या मैं कुछ करूं जो कि इसको रोक सके और दूसरा ये एक साथ में ये मम्मी ने बैठे बैठे एक ये हो गया और मैं अपने साथ मैं 76 kg का था व्हेन आई गॉट मैरिड एंड दादी का सेकेंड ईयर ऑफ माई मैरिज के बाद डेथ हो गया था और उसके बाद कोई अगले 15 साल में मैं 135 किलो पहुंच गया जस्ट डबल माई ओरिजिनल वेट व्हेन माई दादी डाइड वो भी मुझे तंग कर रहा था मुझे कोई बीमारी नहीं था पूरा दिन चलता था बट वो वेट कम करने का भी दिमाग में था डाइटिशियन के पास जाता था डाइट करता था फिर वापस डाइट करता था फिर वापस तो वो भी मुझे लगता था कि मैं अपना वेट कैसे कम करूं
ये दो चीजें और ये जो बाकी लोगों की बीमारी, ये सब मुझे खोल रही थी। और हमारे अमेरिकन और ब्रिटिश बुक्स और यूरोपियन बुक्स में या इंडियन ऑथर्स भी अब इतने लगे, कहीं इसका कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा था। तो माय फादर हैड लेफ्ट अ लेगेसी ऑफ अ लाइब्रेरी, एक उनकी लाइब्रेरी थी, जो कि क्योंकि मैं छोटे घर में था तो मैंने सारी किताबों को ट्रंक पे बंद बंद करके पैक कर करके रख दिया था। उन ट्रंक्स को मैं निकाला, उसमें एक ट्रंक था जिसमें अथर्ववेद था, उसमें और भी बहुत सारी चीजें थी जो इस तरह की थी। एक किताब तो जिसमें फिक्शन था, कुछ 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 तरह तरह की किताबें थी जो पढ़ते थे, तो उसमें से अथर्ववेद मैंने निकाला, उसको पढ़ना शुरू किया। लगा कि इसमें कुछ दिख रहा है, जो दादी कर रही है वो कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो वहां से फिर हुआ कि नहीं, आई शुड रीड मोर, क्योंकि मैं पढ़ता हूं तो आई शुड रीड मोर ऑन दिस टॉपिक रादर देन माई अमेरिकन एंड ब्रिटिश ऑथर बुक्स। तो और भी बुक्स निकाली, पढ़ता गया। तो उससे एक एग्जाम्पल आपको मैं दे रहा हूं जो मैंने तैयार किया, जो कि इस इन बुक्स के आधार पर है। उसमें एक एग्जाम्पल है कि एक दरवाजे पे तीन लोग आते हैं। एक आता है दरवाजे पे बेल को बड़ी जल्दी 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 बजाता है, दूसरा आता है वो दरवाजे पे एक बार बेल बजाता है और फिर वो दो सेकंड रुकता है और फिर गुस्से में पैर पटक के फिर घंटे से बजता है कि दरवाजा क्यों नहीं खुला। और एक तीसरा आदमी आता है, वो बेल बजाता है और फिर सोचता है कि अंदर आदमी है, वो कुछ काम कर रहा होगा, कोई टॉयलेट में होगा, कोई पूजा कर रहा होगा, इसलिए वो दरवाजा नहीं खोल रहा। बड़े सोच समझ के तीन चार मिनट के बाद वो फिर घंटी दबाते हैं। तो आप अपने घर में, अपने वर्क प्लेस में देखेंगे कि इस तीन तरह के लोग आपके दोस्तों में, अपने आप में, सब में आपको दिखेंगे। एक जो कि है जल्दी में है, एक जो है कि एकदम से गुस्सा हो जाता है, और एक है जो बिल्कुल ही शांत रहता है। तो अपने परिवार में, सब में आप देखेंगे किस तरह के लोग हैं। तो ये जो तीन मानसिक प्रवृत्ति है वो कहां से आई, तो उसका एक बड़ा अच्छा जवाब इन पुरानी किताबों में। हम पंच महाभूत की बात करते हैं हर एक चीज, हम पंच महाभूत को अग्नि में विलीन करते हैं, पंच तत्वों की बात करते हैं, फाइव सेंसेस की बात करते हैं जो हमारे हैं साइंस, फाइव टेक्टाइल सेंसेस की बात करते हैं, हमारी पांच उंगलियां, ठीक। तो इन पांच का क्या महत्व है, तो इसमें एक उसका जवाब निकला कि ये पांच चीजें क्या है, आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है और पृथ्वी है। तो अगर केमिस्ट्री का कोई स्टूडेंट हो, साइंस का स्टूडेंट, तो इन्हीं पांच चीजों से सब कुछ बना हुआ, ये ग्लास, ये मैं, ये पेड़ पौधे, सब कुछ इन पांच चीजों, बिकॉज ये पूरा पीरियोडिक टेबल जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं वो पूरा पीरियोडिक टेबल है। और फिर दूसरी चीज कि जो आकाश है इससे भारी वायु है, इससे भारी अग्नि है, इससे भारी जल है और इससे भारी पृथ्वी है। तो जो डेंसिटी है वो भी इंक्रीज कर रहा है फ्रॉम हियर टू हियर। तो ये मैंने बोला कि सब चीजें इन पांच चीजों से बनी है, तो इसका मतलब मनुष्य भी इन पांच चीजों से बना है। तो मनुष्य जिसमें कि ये सब पांच चीजें हैं, बट इसका प्रोपोर्शन का फर्क है, तो जिसमें वायु और आकाश का प्रोपोर्शन ज्यादा है वो फर्स्ट कैटेगरी है। इसलिए वो जल्दी 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 काम करता है, क्योंकि हवा जल्दी जल्दी ब्रेक में चलता है, वो जल्दी जल्दी बातें करेगा, वो एक जगह नहीं बैठेगा नहीं, उसको हमेशा जल्दबाजी में, उसको उसकी सोच भी बहुत जल्दी होगी। वो अभी यहां सोच रहेगा, वो थोड़ी देर में कहीं अमेरिका सोच रहा है, कभी कुछ, ही विल मेक कैसल्स इन एयर। जो दूसरा आदमी है जो कि एकदम से गुस्सा भी हो जा रहा है, शांत भी हो जा रहा है, उसमें अग्नि और जल का प्रोपोर्शन ज्यादा है, अग्नि उसको गुस्सा करा देती है और जल जो है उसको शांत कर देता है। और जो तीसरा आदमी है उसमें जल और पृथ्वी का प्रोपोर्शन ज्यादा है, तो जल भी शांत, पृथ्वी भी शांत, तो इसलिए वो आदमी बहुत शांत तरीके से सोचता है, शांत तरीके से बातें करता है, सोच समझ के करता है। तो ये तो मैंने मानसिक स्थिति की बात की, ये मानसिक स्थिति में तीन तरह के लोग हैं। अगर आप इन लोगों को देखेंगे फिजिकल फॉर्म में भी,
जो कि मेरे मेडिकल साइंस में मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ, कि जिसमें आकाश और वायु ज्यादा है वो अभी दुबला पतला है, वो लंबा है या छोटा भी है तो छनारा है, बिल्कुल दुबला पतला हुआ, वो हवा की तरह चलेगा बहुत तेज, उसके बाल भी उड़ते रहेंगे, पटपट बोलेगा, आंखें भी उसकी बड़ी फास्ट ब्लिंक करेंगे। तो ये आप देखेंगे कि जो आदमी दुबला पतला है उसी में ज्यादा एक प्रवृत्ति भी, दूसरा आदमी जिसमें अग्नि और जल की प्रवृत्ति ज्यादा है उसकी आंखें बड़ी तेज होंगी, उसकी आंखें बहुत बातें कर रही होंगी लोगों से, वो थोड़ा सुंदर होगा, गठीला होगा, बड़ा ही प्रोपोर्शनेट होगा, देखने में वो सुंदर होगा, चाहे उसका रंग कैसा भी हो, कोई चाल कैसा भी हो, तो बट वो प्रोपोर्शनली सुंदर हो, बाल उसके भी थोड़े बहुत ब्राउनिश ब्लैक होंगे, ठीक है। और जो तीसरा आदमी है जिसमें जल और पृथ्वी के प्रोपोर्शन ज्यादा, वो हमेशा ही भारी होगा, दुबला होना उसके लिए बहुत बड़ी मुश्किल का काम है, उसका चाल भी होगा वो बड़ा धीरे धीरे हाथी की चाल चलेगा, उठेगा भी धीरे से, बोलेगा भी धीरे से, जो बातें भी करेगा वो भी बड़ी धीरे धीरे सोच के करेगा, उसकी जो रिसेप्टिव पावर्स होंगे वो भी बड़े स्लो होंगे, पर जो एक बार दिमाग में घुस गया वो कभी नहीं जाएगा। तो अब नेक्स्ट, तो ये जो मैंने पंचतत्व की बात की थी, ये जो मैंने आपको ये तीनों फिगर्स दिखे, जो एक दुबला है, जो एक प्रोपोर्शनेट है, और एक जो थोड़ा सा मोटे साइड है। अभी मोटा साइड वाला कितना भी डाइटिंग करेगा वो दुबला हो ही सकता है, बिकॉज़ उसका स्ट्रक्चर ही इज हैवी, ही इज बोर्न हैवी। तो ये जो तीन चीजें हैं ये बड़ी स्पेसिफिकली डिफाइन की गई हैं इस साइंस में। और दूसरा क्या दिखाया, डिफाइन किया गया कि जो दुबला पतला वाला आदमी है, क्योंकि ये हवा से और आकाश से ज्यादा गवर्न है, तो बहुत जल्दी जल्दी बीमार भी पड़ेगा, ये बहुत जल्दी जल्दी इसको छींक, जुकाम, बुखार, बड़ी सारी चीजें इसको लगी रहेंगी, कुछ न मतलब कुछ भी आएगा इसको डिस्टर्ब करेगा, कि हवा को आप अगरबत्ती वहां जलाएं तो वहां पे सूंघ सकते हैं, परफ्यूम वहां पे जलाएं तो वहां पे परफ्यूम की आवाज आती है, क्योंकि वो हवा की गति से बदल जाता है, इसलिए वो बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ता है। जो ये दूसरा वाला आदमी है जिसमें अग्नि और जल का प्रोपोर्शन ज्यादा है, इसको हमेशा कुछ न कुछ स्किन के इरप्शंस होंगे, एलर्जीज होंगी स्किन की, एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, थोड़ा सा भी मिर्च खा लेगा तो एकदम पेट में आग लग जाएगी, इसको गैस बनता रहेगा हमेशा, इसको वो टिपिकल वो बीमारियां हैं जो अल्सर्स की बीमारियां हैं। और ये तीसरा वाला आदमी है, क्योंकि ये मिट्टी और वाटर का इसे ज्यादा है, बीमारियां बहुत कम है इसके, उसमें ना तो आप पत्थर को हिला सकते हो, ना मिट्टी को पानी को कुछ कर सकते हो, इसलिए इसको बहुत ही कम बीमारियां हैं, और जो भी बीमारियां हैं वो मोटापे से रिलेटेड है, डायबिटीज हो जाएगा इसको, मोटापे से रिलेटेड ज्वाइंट्स की प्रॉब्लम हो जाएगी इसको, इसको उठने बैठने के कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम होगा कि ये उठ नहीं पाएगा, लेट नहीं पाएगा, बट बुखार बहुत ही कम, छींक जुकाम बहुत ही कम, वो चीजें जो कि इस पैरामीटर में होगी उस पैरामीटर को होती ही नहीं। तो इस चीज में मुझे एक और दूसरा नॉलेज मिला कि मैं एक पेशेंट या कोई आदमी जो अंदर आ रहा है कुछ तकलीफ देके, तो मैं उसको ब्रॉडली क्लासिफाई कर पाया कि ये आदमी को ये बीमारी होगी, ये इसको ये होगी, इसको ये होगी, विदाउट टेलिंग हिज हिस्ट्री। तो इस साइंस से मुझे ये ज्ञान मिला कि आई कुड इन माय प्रैक्टिस डिवाइड द पेशेंट्स ब्रॉडली, कि बिना उसका एक्सरे और ये किए मैं इतना बता सकता हूँ कि इसको ये फिजिकल देखिए, मेंटल मेकअप तो जब बोलेगा या खुद ऑनेस्ट होगा तो ही बता पाऊंगा, बट ब्रॉडली फिजिकली मैं इतना डिफाइन कर दूंगा। अब जो बात शुरू हुई थी इससे पहले एक और बात बोली कि ये क्योंकि ये जो पंच तत्व है ये हर चीज में है, तो इसका मतलब कि जो पेड़ पौधे हमारे चारों तरफ है उनमें भी ये पंच तत्व होने चाहिए, तो उसका भी एक एग्जांपल मैंने इन्हीं बुक्स में से डिराइव किया, ये लिखा नहीं हुआ, ये सब मैंने अपना एस्टिमुलेट करके आपको बोल रहा हूँ, ये सब अलग अलग बुक्स से निकाल। तो नेक्स्ट, ये आप तीन तरह के पेड़ देखेंगे अपने उसमें, एक है नारियल का पेड़, इसमें वायु और आकाश के प्रोपोर्शन ज्यादा है, वायु आएगा तो चारों तरफ वेग में घूमता रहेगा, दुबला पतला लंबा है, जहां भी देखेंगे ये नाचता रहेगा,
चारों तरफ। दूसरा जो पेड़ है वो पीपल का पेड़ है, या ये अगर आप कश्मीर में जाएंगे तो मेपल ट्री होता है, चिनार का पेड़। इसके जो जड़ें हैं वो मोटी होती हैं, पत्ते पतले होते हैं, एक मौसम में पीले पड़ के झिझ झिझ करके गिर जाते हैं। तो जो पत्ते हैं वो अग्नि का वो है, जो जड़ है उसमें पानी का प्रपोर्शन, तो इसमें वो दोनों प्रपोर्शन इन पेड़ों में भी शो कर रहे हैं। और जो तीसरा है वो बैनियन ट्री है, बरगद का पेड़, उसके पत्ते भी बड़े जड़ भी मोटे, ना तो कोई इसको गिरा सकता है ना उसको कोई आंधी पटक सकता है, और उसके पत्ते भी कभी झड़ते नहीं। तो ह्यूमन बींग्स और उसका रिफ्लेक्शन एंड प्लांट किंगडम में वो आपको इसी पंचतत्वों के ही उसमें आंसर मिल जाता है। तो अगर हम उसको नेक्स्ट स्टेप में जाए तो अगर दुबले पतले शरीर वाला आदमी अगर कोई ऐसा भोजन करे जो कि उसको थोड़ा सा मोटा कर सके तो वो खुश हो जाता है। जो मोटा शरीर वाला आदमी वो ऐसा खाना खाए जिसमें कि अग्नि आकाश और वायु प्रपोर्शन ज्यादा हो तो वो हल्का हो जाएगा। तो खाने में भी हमारे खाने में ऐसे डिवीजन है कि कुछ खाने हल्के हैं और कुछ खाने भारी हैं। भारी खाना और हल्का खाना ऑपोजिट लोगों को खाना चाहिए। जो ऑपोजिट है वो अगर हल्का खाना खाएंगे तो मोटे नहीं होंगे, और जो मोटा है वो हल्का खाना खाएगा तो जो प्रोपोर्शन ऑफ द फूड है वो भी डिफाइन होता है इसी पंच तत्वों में। हर चीज इन पंच तत्वों में ही घूमती है। अब इन पंच तत्वों में जो नेक्स्ट चीज आती है वो आता है कि मैंने बोला कि जो हमारे फाइव सेंसेस होते हैं वो कैसे इन पंच तत्वों में आता है। ये जो आकाश है ये हम हॉलो में जो सुनते हैं द हियरिंग सेंसेशन, ये आकाश में। जो वायु है हमें छू के चली जाती है तो ये टच सेंसेशन। जो अग्नि है वो हमारा विजन। जो जल है वो हम पीते हैं तो हम टेस्ट ले लेते हैं जल। और जो अर्थ है वो हम सूंघ सकते, वी कैन स्मेल इट। तो जो हमारे पांच सेंसेशन है जो हम अपने साइंस में पढ़ते हैं वो भी इन पंच तत्वों पर ही आधारित है। नेक्स्ट, तो ये तो मैंने आपको बताया कि उन लोगों में क्या क्या ये हो। नेक्स्ट, ये जो बीमारियां जो कि इस कैटेगरी में प्रिवेलेंट है वो इस तरह से, जैसे जो हवा और आकाश वाले लोग हैं उनको हेडेक्स, ड्राई स्किन, कॉन्स्टिपेशन, नर्वस एंड एंजाइटी, क्योंकि बहुत जल्दी सोचता है इसलिए नर्वस भी होगा वो एंग्शियस भी होगा। हाइपरसेंसिटिविटी टू स्किन, एलर्जीज बहुत कॉमन है उनको, उनको नींद बहुत कम आती है और प्रीमेच्योर एजिंग उनका, उनमें थोड़ा सा बुढ़ापा जल्दी आता है, वो लोग थोड़ा सा अपने उम्र से ज्यादा देखते हैं। जो बीच वाले लोग हैं जिनमें अग्नि ज्यादा है उनको अल्सर्स, फीवर्स, एक्ने, एसिडिटी, एजिटेशन, एंगर एंड बर्न इजली होते हैं। और जो लास्ट वाले लोग हैं उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, वेट गेन, फ्लूइड रिटेंशन और म्यूकस, मोटापा से रिलेटेड जो भी चीज है। अब एक ये एक और चीज निकल गया है, पूरे वर्ल्ड में अगर आप ट्रैवल करेंगे यूरोप अमेरिका तो वहां पे चार तरह के टेस्ट बहुत प्रिवेलेंट है, जो कि सब लोग जानते हैं। स्वीट सब लोग जानते हैं, सार सब लोग जानते हैं, बिटर सब लोग जानते हैं और सॉल्टी जानते हैं। ये चार टेस्ट ही पूरे यूरोपियन और अमेरिकन सोसाइटी को पता है और इन्हीं चार टेस्ट के बीच में वो लोग सारा खाना खाते हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में दो और टेस्ट है जो कि बहुत प्रिवेलेंट है, वन इज पंजन एंड वन इज एस्ट्रेंजो। ये दो टेस्ट एक्सक्लूसिवली इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पास है, कुछ मेक्सिकन एरिया में भी है जो सिर्फ इक्वेटर पे जो जगह है, जैसे थोड़ा सा आप स्पेन में जाएंगे तो वहां पे है और थोड़ा बहुत मेक्सिको में है, बाकी मोस्टली वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये दो टेस्ट है। और इन्हीं दो टेस्ट के पीछे जितने भी यूरोपियंस हैं वो जो एक्सप्लोर करने के लिए चले कि हम इंडिया को एक्सप्लोर करते करते एक अमेरिका पहुंच गया और एक गोवा पहुंचा,
वो सिर्फ इन दो टेस्ट के पीछे आए क्योंकि उनको ये जो नॉलेज था ऑफ सिक्स टेस्ट और ये जो पांच तत्वों के बारे में, ये तो भाई लैंड रूट पहुंच गया था. सो दे वर सर्चिंग फॉर द वेलनेस कि हम ये वेलनेस के लिए कहां जाएं. सो दे फॉर द वेलनेस ऑफ द टू टेस्ट, क्योंकि वही टू टेस्ट उनके सिस्टम को बैलेंस कर पाता. सो दे ट्रेवल्ड ऑल द वे टू इंडिया. वन वेंट टू अमेरिका एंड फाउंड अमेरिका एंड द अदर केम टू इंडिया जस्ट फॉर दोस स्पाइसेस. तो जो जितनी भी स्पाइसेस हैं, हम बोलते हैं कि ये स्वाद के लिए, बट ऑल द स्पाइसेस व्हाट यू फाइंड इन द सब कॉन्टिनेंट हैज सम मेडिसिनल वैल्यू. एंड एज अ इंडियन वी यूज इट एज अ डेली रूटीन. जितनी भी स्पाइसेस हैं वो हम किसी न किसी बीमारी के लिए यूज करते हैं. हम खाते हैं कि स्वाद के लिए, बट नन ऑफ देम आर फॉर एनी टेस्ट. Taste too is a side effect of that or a positive effect of that. But otherwise you are using spices as a medicine. So, तो जैसे ये जो taste है, इसमें जो ये astringent taste है, ये जैसे इसमें अनार भी खा रहे हैं और आप सुपारी खाइए, आप जामुन खाइए, तो आपको जो palate है ना वो dry हो जाता है. और palate dry होता है because इसमें air है, इस वजह से वो ड्राई हो जाता है. जो पंजन पेस्ट है आप हाथ पर रखिए और नाक के पास लाएंगे तो मसाला नाक पे जाते ही आपको फांस लगती है. ठीक. तो ये जो दो टेस्ट है, करते करते क्या हुआ कि बाकी चीजें तो खराब होने लगी. तो ये लोग सिर्फ काली मिर्च लेके गए. तो आप देखेंगे जितनी भी आपको यूरोपियन क्यूजींस हैं और अमेरिकन क्यूजींस हैं, मसाले के नाम पे ब्लैक पेपर वो लोग डालते हैं. जितने भी आप टीवी पर देखिए चैनल, उसे ब्लैक पेपर उनके खाने में डलता है और वो उनके सफिशिएंट सफाइस कर देता है टेस्ट को. और यही अगर आप जापान चले जाते हैं तो जापान में भी क्योंकि मसाले नहीं होते तो उन्होंने अजीनोमोटो बनाया है, जो हम मोनोसोडियम ग्लूटामेट बोलते हैं ना, जो हम डालते हैं चाइनीज क्यूजीन में. दैट अजीनोमोटो इज बेसिकली अ सिंथेटिक पंजेंट टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं कि कार्सिनोजेनिक, आप नहीं खाना चाहिए अजीनोमोटो. It's carcinogenic, that is why we say ki nahi karna hai. But kyunki Japan also wanted this thing for their wellness, so they took, they made a synthetic substitute instead of putting black pepper in it. Next. Ab agar ek ghar hai jisme ki 10 log hai parivar mein, aur us parivar mein 10 log hai aur wo 10 log में एक कुछ वास्तु लोग हैं जिनमें एयर और स्पेस ज्यादा है, कुछ है जिनमें अग्नि और वो ज्यादा है, और कुछ है जिनमें की हेवीनेस ज्यादा है. तो क्या उस घर के जो लोग हैं वो खाना इन तीन सेट ऑफ लोगों के लिए अलग अलग बनाएंगे? तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक घर में खाना तीन लोगों के लिए अलग अलग सेट्स में खाना बन सकता. तो हमारे इंडियन सिस्टम में कुछ खाने ऐसे हैं जो कि सौम्य कहलाते हैं. सौम्य इज दैट द प्रोपोर्शन ऑफ These elements are equal in all the respect. तो जो सौम्य खाना है, हम आने से पहले चावल के बारे में कह रहे थे, राइस इज सौम्य. गेहूं के बारे में कह रहे थे, गेहूं इज सौम्य. ज्वार बाजरा के बारे में और ओट्स के बारे में, दे आर सौम्य. और इसको खाना किसके साथ है? पतली दाल के साथ खाना है. पतली दाल और चावल अगर आप खाते हैं या पतली दाल और रोटी खाते हैं, यू विल नेवर गेट किल्ड. इट्स द बेस्ट फूड व्हाट यू कैन हैव. और चावल या पत्ती दाल और रोटी अगर आप खाते हैं, इट्स द बेस्ट फूड यू कैन हैव. यू कैन क्रिएट द बेस्ट ऑफ इम्यूनिटी. आई हैव लॉस्ट वेट, 35 केजीज आई हैव लॉस्ट जस्ट बाय ईटिंग दाल चावल एंड रोटी. नो पिज्जास, नो बर्गर्स, नो चाउमिन, नथिंग. आई स्टॉप ईटिंग एवरीथिंग फॉर लास्ट 5 इयर्स. कभी कभी लालच आती है, खा लेता हूँ, बट नॉट कि वो जो डेली खाना होता था ना. घी अभी आऊंगा उसमें भी आऊंगा. So, फिर क्या हुआ कि आप अपने टेस्ट को कैसे सफाइस करोगे? तो उसके लिए हमारे टेबल पर ये चार तरह के अचार पड़े होते हैं. एक मिर्च का अचार है, एक मीठा अचार है, एक खट्टा अचार है और एक फीका अचार. तो आप क्या करोगे कि आप अचार उठाओगे, एक चम्मच अपने प्लेट में डालोगे और अपने उस टेस्ट को सफाइस कर लोगे जिस टेस्ट को आप बिलोंग करते. तो वट एवर टेस्ट यू बिलोंग, आप दाल चावल दाल रोटी आप सादी बनाओ. जो टेस्ट के लायक आपको अचार उठाना है अचार उठा के डालो, जो टेस्ट के हिसाब से खट्टा उठाना, जो भी आदमी जिस टेस्ट के में बॉर्न होता है
वो वही चीज उठाता है, वो कभी भी स्विच ओवर नहीं करेगा, उसको ऑटोमेटिकली आप ये नहीं देखेंगे चार तरह का चार लेगा, अगर वो उठा के ले भी लेगा तो खाएगा वो एक ही तरह का चार, वो नहीं चार तरह का खाएगा। पर अब क्या हो गया है कि अगर आप चैनल देखें तो तरह तरह की क्विजींस हो गई है, अगर हम पनीर बना रहे हैं तो पनीर बटर मसाला बना दे रहे हैं, अगर हम भिंडी बना रहे हैं तो भिंडी को फ्राई कर दे रहे हैं, वो सारी की सारी जो बोल रहे थे वेजिटेरियन जो हम खाना खाते हैं वो खाने को हमने तहस नहस कर दिया, बिल्कुल हमने खाने को तहस नहस कर दिया, क्योंकि अगर आप एक कटोरी मिर्च वाला सब्जी खा लेते तो जो कफ वाला आदमी जिसकी वेट ज्यादा है उसको तो वो पच जाएगा, बट वो बीच वाला आदमी जो खाएगा उस परिवार का या जो दूसरा साइड वाला खाएगा तो पक्का ही बीमार पड़ेगा ही पड़ेगा, नहीं तो उसको एसिडिटी होगी ही होगी, वो कोई डाइजिंग जेल मांगेगा ही मांगेगा पीने की मेरी एसिडिटी कम, क्योंकि हम खाने को अचार के रूप में बनाने लगे, या तो बहुत खट्टा कर देते हैं या बहुत वो कर देते, मतलब खाने के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और जब हम खाने के साथ खिलवाड़ करते हैं तो होता क्या है कि इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ था, जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से पहले जब बच्चा शुक्राणु होता है द स्पर्म एंड द ओवा जब यूनाइट करता है जिस टाइम पे उस टाइम बच्चे की प्रकृति डिसाइड होता है, जब 9 महीने वो मां के पेट में रहता है तो उस प्रकृति में ही डेवलप करता है, जब बच्चा जन्म ले लेता है तो उसमें लिखा है कि 10वें दिन जन्म के बच्चे के आपको बच्चे को एक ऐसे आदमी के पास ले जाना चाहिए जिसको इस नॉलेज इस प्रकृति का पता करने का, एंड द मदर शुड फीड द चाइल्ड अकॉर्डिंग टू दैट प्रकृति सो दैट यू डोंट चेंज द प्रकृति बिकॉज द चाइल्ड इज बॉर्न हेल्दी इट डजंट हैव एनी डिजीज, डिजीज इज इंट्रोड्यूस्ड व्हेन यू थिंक रॉन्ग व्हेन यू ईट रॉन्ग, द होल प्रोसेस ऑफ डिजीज स्टार्ट्स विद द थॉट प्रोसेस एंड द ईटिंग प्रोसेस, तो जब तक आप खाना ठीक खाते हो अपनी प्रकृति के स्वरूप आप ठीक रहते हो, जब तक आप सोचते हो प्रकृति के स्वरूप आप ठीक रहते हो, पर जहां आप प्रकृति के विपरीत चले गए तो एक पेंडुलम में हम पेंडुलम को घुमाते हैं तो पेंडुलम घूमते 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 अपने इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, दैट इज द प्लेस वेयर वी स्टॉप, तो वी आर बॉर्न इन द इक्विलिब्रियम, हम बिल्कुल भगवान हमें जन्म बिल्कुल ठीक दिलवाता है, हम अपने खान पीन से उस इक्विलिब्रियम को चेंज करते हैं, तो जब हम चेंज करते हैं तो हम अपने जो बॉर्न प्रकृति है उससे हम विकृति की तरफ जाने लगते हैं, दैट्स द प्रोसेस ऑफ डिजीज फॉर्मेशन इन द बॉडी एंड इट्स अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इनिशियली, मतलब आपका फंक्शनल चेंज हुआ है, आपको टाइम दे रहा है कि आप उस फंक्शनल चेंज से वापस आप अपने इक्विलिब्रियम में आओ, अगर आप नहीं आओगे तो फिर स्ट्रक्चरल चेंज हो जाएगा, आपकी एनाटॉमी में चेंज आ जाएगा, then bringing back to your prakriti is very difficult, aap us structural change mein bhi nahi rukte ho, then agar heva chala jata that's cancer, so till the functional change body mein happen ho raha hai you can come back to your original cell very easily, the minute the functional change becomes an anatomical change structure mein change ho gaya it becomes very difficult to bring it back, aur uske baad agar wo heva ho gaya to fir difficult way then you have to come to us for the next ab ye jo main dikha raha hu ye hamare haath ki hatheli hai it's a period of water and earth to ye jo 6 se aur 10 baje ka period hai subah ka it's a period of heaviness is period mein aap exercise kijiye व्यायाम कीजिए सो दैट यू कम ओवर द इनर्शिया ऑफ द वेट, दिस इज द टाइम आप दंड बैठक जो भी करना है आप करिए एंड ईट वेरी लेस एंड ईट अ ड्राई थिंग जो सूखा हो जो पानी को एब्जॉर्ब करे, जो तो आप केलॉन्ग्स वाले मेरे को बोलेंगे कि हम तो केलॉन्ग्स ब्रेकफास्ट की बात करते हैं, अब केलॉन्ग्स वाले ही रिसर्च के लिए पैसा देते हैं तभी वो सब लोग बोलते हैं नो ब्रेकफास्ट शुड बी वेरी गुड otherwise why how can you have Kellogg's breakfast, but अगर आप कलकत्ता जाए कभी ट्रेन में चले लोकल ट्रेन में तो सुबह सुबह वो लोग झालमुरी देते हैं, झालमुरी इज पफ राइस उसमें थोड़ा प्याज और थोड़ा बहुत डाल के वही लोग खाते हैं वहां पे, अगर आप बिहार में चले जाए तो वो लोग चिवड़ी खाते हैं, हाँ सूखा जितना सूखा खाएंगे उतना आप एनर्जेटिकली अपने ऑफिस में जाएंगे उतना ही आप एनर्जी के साथ आप खा लीजिए जम के खाना और जाइए अपने ऑफिस जाते ही उड़ना शुरू कर देगी
पीजिए, चाय दो मुझे, उठने उठने के लिए कॉफी दो, कुछ चाहिए जो कि आपको उठाए। मैं तो बोल रहा हूँ कैलॉग्स वाले तो कर रहे हैं, ये तो कैलॉग्स का वो है ना भाई, हाउ विल यू ईट कैलॉग्स ब्रेकफास्ट? मैंने अपने जो वेट कम किया तो मैंने बोला घरे, मैं अपनी दादी का देखा कि दादी 3 बजे उठती थी तो सुबह उठती थी तो एक केला खा दी थी या थोड़ा सा चना खा दी थी और बस। और दादी तो वाज 5 feet 4 inches बस, छोटी सी हाइट थी उनकी, दुबली पतली थी बिल्कुल, और यही खा के वो, मैंने भी वही खाना शुरू किया। और मैं क्लिनिक जाता हूँ कोई भूख नहीं लगती, चाय छोड़ दिया मैंने, कॉफी छोड़ दिया मैंने। मिल्क इन द मॉर्निंग? आई डोंट थिंक मिल्क, नो मैं अकॉर्डिंग टू मैं मिल्क पे आऊंगा अभी, अभी तो मिल्क का बीच में रहेगा। पानी पीना है उठते ही, पानी पीना है 1.5 लीटर पानी पीना है, लिक्विड तो पानी चला गया आपके शरीर। सर आप ऐसे बताइए, सवेरे कितने बजे उठना चाहिए? मैं पहले इधर 2 मिनट प्रहर को बस समझा देता हूँ आपको, फिर मैं सीक्वेंस बता दूँ। जो प्रहर है जो मैंने सुबह का कब का प्रहर बताया, जो सुबह और तो ये सुबह का जो प्रहर है वो कफ का प्रहर है, तो इसके वेदों के हिसाब से और इनके हिसाब से लिखा गया है कि 48 मिनट्स बिफोर सनराइज, टाइमिंग से पता 48 मिनट्स में वो सनराइज 6 बजे का सूर्य होता है, जब भी सूर्य होते हो सर्दी गर्म में तो सूर्य आगे पीछे हो गएगा ना। आप टेंटेटिव लगा लीजिए कि आजकल तो सब गूगल पर दिख रहा है कि सनराइज कब हो रहा है, तो 48 मिनट्स बिफोर सनराइज इज द पीरियड ऑफ इंटेलेक्ट, ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। सो आपको आपको उससे थोड़ा पहले उठना चाहिए, सो दैट आप वॉशरूम जाके तैयार होके टू एक्सेप्ट दैट ब्रह्म मुहूर्त, बिकॉज द ब्रह्म मुहूर्त इज द पीरियड ऑफ इंटेलेक्ट, जो भी आप सोचते हैं इंटेलेक्चुअल थिंकिंग करते हैं दैट्स द पीक टाइम, जबकि आपके इंटेलेक्ट विल मूव एट अ जूम पेस। बबूल पता नहीं वो उनका था जो एक सेट पैटर्न में चलती थी, और मेरे को अपने साथ वो खींचे रखती थी कि आप दातुन करना है इससे दांत अंदर हो जाए सब कुछ, और दातुन के बाद फिर वो सेंधा नमक लेती थी, सरसों का तेल लेती थी, उससे मसूरे का मसाज करती थी, फिर कुछ और बनाती थी उससे कुल्ला करती थी, हम माउथ वॉश से करते हैं कुल्ला, वो किसी और चीज से कुल्ला करती थी, टू प्रिपेयर हर सेल्फ फॉर द डे वो कम से कम 1 घंटा करती थी ये सब कुछ, अपने को मालिश करती थी तेल से, सरसों का तेल, तिल का तेल। अब तिल का तेल जो होता है उससे वर्ड तैल आया है, जो तैल वर्ड है, तिली वर्ड जो है, तैल वर्ड हैज कम विद द फॉर्म ऑफ तिल, तो तिल इज सपोज टू बी द बेस्ट ऑयल, जो सर्वोत्तम ऑयल अथर्ववेद में लिखा है इज तिल का तेल। ये ऑलिव ऑयल का सर उसलिए हम आपका लेट आंसर से पहले उसका डिस्कशन हो चुका था, ऑलिव पर भी करेंगे। तो सुबह उठे, ये मैं दिनचर्या की बात कर रहा हूँ कि कब उठना है और कैसे दिन शुरू होना है। तो आप फिर बेटा जिद करोगे साइड से थोड़ा सा, तो सुबह हुआ आप उठे, अपना दातुन किए, अपने को फ्रेशन अप किए, फ्रेशन अप करने में कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन इज द रूट ऑफ इलनेस। यू कॉन्स्टिपेशन है तो वी विल डिस्कस अबाउट इट इंडिविजुअली अगर कॉन्स्टिपेशन, बिकॉज कॉन्स्टिपेशन जिसका एयर और स्पेस की प्रकृति है उसमें होगा ही होगा, जिनकी भी
जिनकी भी शारीरिक प्रकृति में एयर और स्पेस है उनको कॉन्स्टिपेशन होगा ही होगा, बिकॉज हवा उनको सुखा देती है स्टूल, एंड ड्राई स्टूल डजंट कम आउट ऑफ द ट्रैक. ठीक है. सेकेंड कॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन इज अ वेस्टर्न सीट. जो इंडियन सीट होता है उसमें व्हेन यू सिट इन अ स्क्वाटिंग पोजीशन तो हमारा जो स्पाइन होता है वो नीचे इस तरह से स्कूप करता है. सो द स्टूल हैज टू पास ओवर दिस स्पाइन एंड गो. बट जब हम इंडियन पोजीशन में बैठते हैं तो देयर इज अ लिगामेंट हियर व्हिच पुल्स इट डाउन एंड मेक्स इट स्टे. तो स्टूल गिर जाता है ग्रेविटी से. वेयर इज व्हेन यू सिट इन द वेस्टर्न सीट आपको पाइंस की शिकायत, आपको तरह तरह की जो मोशन के रास्ते पे शिकायत होती है वो सारी की सारी इज बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न सीट. और अगर आप बात प्रकृति के हैं तो वो और ज्यादा बढ़ जाती है. इट कॉजेज मल्टीपल प्रॉब्लम्स एट द एनल कैनाल. तो कॉन्स्टिपेशन में डिस्कस कर लूंगा, जो बात वाले हैं उनसे मैं अलग से, बिकॉज उसमें फिर कुछ कुछ चीजें और ऐड करनी पड़ेंगी, जिससे कि यू मस्ट इवैक्यूएट. नाउ आफ्टर इवैक्यूएशन आप व्यायाम करने जब जाते हैं ना तो यू मस्ट स्वेट. अब आज के दिन हम लोग जिम जाने लगे हैं एयर कंडीशन में. स्वेटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी. सो टिल यू डोंट स्वेट अब एक्सरसाइज इज ट्रू बिल्कुल बेकार. खुले में जाके पसीना निकालना, पसीने में सब कुछ निकल जाता है, शरीर की आधी बीमारियां निकलती है. इट इज अ प्रोसेस ऑफ कमिंग बैक टू इक्विलिब्रियम. तो स्टूल पास होना इज वन, यूरिन पास होना दो खुल के, स्वेट निकलना तीन, सांस में जो हम प्राणायाम करते हैं चार, और जो मसाज करते हैं वो पांच. ये सारी चीजें इन्वॉल्व है टू कम बैक टू योर ओरिजिनल सेल्फ. दिस विल हेल्प यू इफ यू हैव गॉन अवे फ्रॉम योर ओरिजिनल सेल्फ. Does sweating start after 20 minutes? Yes, sweating starts from back of ear, that's the first thing. Then middle of your back, then elsewhere. These two, three areas are more sweat prone area. But sweating, you must. But sweating ka matlab ye nahi hai ki aap daudo. If you see Indian contest, games ka dekhoge na, to India mein kushti hota tha, kabaddi hota tha, kho kho hota. या हम फुटबॉल क्यों नहीं खेले, हम क्रिकेट क्यों नहीं खेले, हम टेनिस क्यों नहीं खेले, ये सब चीज हमारे इसमें था ही नहीं. बिकॉज जितनी भी चीजें इंडिया में होती थी वो शरीर को ठीक करने के लिए होती थी. कुश्ती में इट्स पुल एंड पुश. ठीक है. खो खो में यू आर गेटिंग अप सिटिंग डाउन, गेटिंग अप सिटिंग डाउन. तो यही दो गेम्स थे. बाकी जितनी तरह की गेम्स देखेंगे कोई भी इंडिया में नहीं, बिकॉज गेम्स वर नॉट मेकिंग यू फिट. These kushtis were making you fit. तो व्यायाम किया, स्वेट किया अपने को, फिर आप घर आए नहाए. ठीक है. नहाने के बाद हैव अ वेरी लाइट थिंग, हैव अ लाइट फ्रूट, हैव अ लाइट फ्लफ ड्राई, हैव समथिंग लाइट. नो टी कॉफी, नो टी कॉफी. मेरे को अपना याद है कि मैं टी आता था, आंख बंद हो गए, राम राम भी नहीं किया, गुड मॉर्निंग भी नहीं किया, और एक गुड्डे का पैकेट डुबा के खा लिया ब्रश करने से पहले, जब मैं 140 किलो का था. अभी भी बहुत कम नहीं हूं, ग्रॉसली 20 से 20 पर आया हूं. अभी भी नीचे जाना है, नहीं अभी अभी नीचे आना, वो देखेंगे फोटो तो समझ ली कहां था मैं. Were you really 140? I was. अब मेरे को देखेंगे, इसमें एल्बम को दिखाऊंगा. हाँ मैं 4 साल में कम किया हूं. 35 नहीं, 35 135 था, अभी 100 हो गया. कितने कितना टाइम पीरियड लगा आपको? 4 साल लगा. धीरे धीरे क्या, ये खाना खाते गया, जो पिज्जा बर्गर गया ना उसी से कम होता गया. बट सर आप बोल रहे प्राणायाम या जो भी ब्रेथ के बारे में, वो करें कहाँ? नो वे प्राणायाम करना है. बेस्ट इज पार्क, सेंटर ऑफ अ पार्क, अवे फ्रॉम द रोड. प्लास्टिक की शीट बिछाई, उसके ऊपर योगा मैट बिछाई और वहां पे कीजिए, जिससे कि यू टेक इन ऑक्सीजन. प्राणायाम इज प्राण वायु. यू आर टेकिंग इन ऑक्सीजन टू हील योरसेल्फ एंड थ्रोइंग आउट द टॉक्सिन्स. सो इट्स अ हीलिंग थेरेपी. आप घर के अंदर अपने स्टे लेयर लोगे, छोड़ोगे तो यू गेट मोर सिक. लोग बोलते हैं योगा कर रहे हैं बीमार पड़े, बिकॉज दे आर नॉट डूइंग योगा इन प्रॉपर प्लेस.
It has to be done with a bit of oxygen. This is special. And that happens only early morning. ये नहीं कि शाम के 6 बजे बैठ के योगा कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं 8 बजे रात में, सारी कुछ कह रहे हैं कि हम व्यायाम कर रहे हैं, क्या व्यायाम? They are, you are getting more sick. You are jogging inside a sweated room जहाँ की 10 आदमी jogging कर रहे हैं, उसी stale air को with less oxygen आप inhale किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो. You are killing yourself. अच्छा सोना उससे जवाब आएगा. अगर एडिसन ने बल्ब इन्वेंट नहीं किया था तो सूर्यास्त के समय अंधेरा हो गया. ऑल द बर्ड्स ऑल द एनिमल्स दे गो ऑफ टू स्लीप, दे डोंट रिक्वायर बल्ब. हमने बल्ब का इन्वेंशन किया, हम उसकी वजह से जगने लगे, जगने लगे तो खाने लगे लेट, सोने लगे लेट. सोना तो जब सूर्यास्त हो गया तो यू हैव टू स्लीप, जब सूर्योदय हो गया तो उठ जा. दादी यूज टू स्लीप एट सूर्यास्त, तो 3 बजे उठ जाती, 3:30-4 बजे तो सूरज आ ही जाता है गोधूली पे. तो सूर्यास्त तो 7:30 बजे होता है? नहीं होता, गोधूली पे उठो, उठ के देखो 3:30-4 बजे करीब एक गोधूली पे एक हल्की सी रोशनी शुरू हो जाती है आनी. नहीं अगर ऊपर जाके देखोगे तो आ जाएगी एट द होराइजन, आपको हल्का सा एक गोधूली पे दिखने लगेगा हल्की हल्की लाइट. वेर यू कैन यू डोंट रिक्वायर अ लाइट टू मूव अराउंड. सूर्यास्त भी तो टाइम पर ही होता है, जो अगर गर्मी है तो साथ साथ सर्दी है तो साथ. मैं बता रहा हूँ, सुनो उसके बाद अपने को ठीक करो, ज्यादा कर सकती हो, करते जाओ ना. यहाँ तो है, इट्स अ प्रोसेस ना. आई एम एक्सप्लेनिंग विद द प्रोसेस, यू ट्राई टू फिट इन टू द प्रोसेस वेयर एवर यू फील कि हम इस प्रोसेस में एंटर करके हम ठीक हो सकते हैं. ठीक है, सो अगर आप देखो तो 7:30-8 बजे अगर आप सोते हो और 3:30-3 बजे उठते हो तो यू आर स्लीपिंग 7-8 आवर्स. अगर रात के 12 बजे सो के सुबह 8 बजे उठते हो तो भी 8 ही घंटे सोए. सोता आदमी 7:30-8 ही घंटे, उससे ज्यादा नहीं सोता. यू ट्राई टू स्लीप एंड यू विल गेट अप आफ्टर 8 आवर्स. बड़ा बिरले होता है आदमी 10 घंटे सोए, बहुत बिरले हुआ, बहुत थका रहा मरा रहा हुआ, बहुत टेंशन भरा हुआ तो 10 घंटे सोता, 8 घंटे से ज्यादा आदमी नहीं सोता. और अगर सोएगा उसके बाद अगर 8 घंटे के बाद सोता है, मतलब एक उठना और सोना फिर से, तो यू कैन स्लीप फॉर 10 या 12 आवर्स तक खींच सकती हो. फिर वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा नींद. अगर आप नींद को अपने ऊपर हावी होने दोगे तो हावी हो जाएगा. और फिर दूसरा कि अगर सुबह 6 बजे के बाद सोते हो और तो कफ पीरियड शुरू हो गया. कफ पीरियड इज पीरियड ऑफ हैवीनेस. तो आप 6 के बाद 7, 8, 9, 10 जब तक आप पीरियड खत्म के बाद सो सकते हैं. फिर पिक पीरियड शुरू होता है 10 बजे से लेकर दिन के 2 बजे तक. दिस इज अ पीरियड ऑफ फायर, इज अ पीरियड ऑफ डाइजेशन, इज अ पीरियड व्हेन यू शुड ईट फूड, इज द पीरियड व्हेन द सन इज ऑन द टॉप. तो उसको डिस्क्राइब क्या किया गया है कि जो पेट है वो आपका अग्नि कुंड है, हवन कुंड है. ठीक है, इसके अंदर अग्नि है. अब अग्नि में आप क्या डालते हो? आप सूखी लकड़ी डालते हो, ठीक है, हवन सामग्री डालते हो और घृत डालते हो, घी डालते हो. ठीक है, सो योर पेट इज अ हवन कुंड. सो जो मैंने बोला कि चावल और रोटी आपको खाने के लिए, वो भी पार बॉइल्ड राइस, उसना चावल बोला, वो छरारा होता है. अगर वो चावल देखोगे ना आपस में जुड़ता नहीं है, वो छरारा होता है. रोटी जो होती है ना, जो चोकर वाली रोटी होती है, गेहूं को पीस के और छाना नहीं होता है, तो वो रोटी जो होती है ना उसमें आटा बाइंड नहीं होता, वो फटाफटा होता है. तो इट्स लाइक ए ड्राई रोटी. तभी हम रोटी को सेंक देते हैं तवा पे. गीली रोटी कोई खाता है? नहीं खाता ना. जिसे हम चावल को पका के और छरारे छरारे छोड़ देते हैं, ऐसे फैला देते हैं. तो राइस इज एंड रोटी इज इक्वल टू द वुड, वुड पुट इन द फायर. ठीक है, उसके बाद आया घृत. घृत इज घी. तो जो घी ऊपर से आप डालते हो, इट इग्नाइट्स द फायर. एंड द इग्निशन ऑफ द फायर इज व्हेन द सन इज एट द टॉप. तो पुराने जमाने में जो खाना बनाया जाता था वो हमारे कढ़ाई में जाता था, खुली कढ़ाई में आग के ऊपर और धूप की रोशनी में बनाया जाता था. अब हमको बोलता है कि प्रेशर कुकर डालो जिससे कि प्रेशर लगा के यू सेव एनर्जी. वेयर एज देयर थ्योरी इज सी व्हेन यू कुक इट ऑन अ फायर इन अ ओपननेस, द ऑक्सीजन द एटमोस्फेरिक एयर मिक्सेस इनटू द फूड, द सन मिक्सेस इनटू द फूड एंड दैट क्रिएट्स अनदर मसाला. क्योंकि आपने पंजन को डाला, यू हैव पुट द फायर, यू हैव स्टार्टेड कुकिंग इट.
दैट द प्रोसेस, तभी हम हवन कुंड में स्वाहा करते हैं, ठीक है। सो द रोटी द राइस एंड पतली सी दाल, और आप जलने लगेगा तो हल्की सी पानी डालते हो ना, हल्का सा उसको अग्नि को कम करने के लिए, अगर आप उसमें एक ग्लास पानी डाल देते हो तो अग्नि बुझेगी और फिर धीरे धीरे पानी इवेपोरेट होगा तो फिर धीरे धीरे वो धुआं बनेगा, ठीक है। अगर आप रोटी और इसकी जगह जो मेरी डाइटिशियन बोलती थी कि ईट लॉट्स ऑफ सैलेड, अ बोल ऑफ सैलेड, तो कच्ची लकड़ी होगी, सैलेड इज अनकुक्ड कच्ची लकड़ी। अब कच्ची लकड़ी को आप अपने पेट में डालोगे सो द वॉटर हैज टू इवेपोरेट, वंस द वॉटर इवेपोरेट देन इट विल डाइजेस्ट, तो आपको पेट में गैस अनपच अजीब सा लगेगा, मन खराब, करो डाइटिंग, सारी डाइटिंग फेल हो जाएगी। 10 दिन तक खाओगे उसके बाद बोलेगा बकवास, एक बोल सैलेड खा के कोई जी सकता है? तो खाना अंजन जितना ये हाथ है इतना ही खाना, ठीक है, क्योंकि आप हवन कुंड के बाहर तो खाना नहीं खा सकते ना, तो खाना इतना ही खाना और समय पे खाना, आपका वेट अपने आप स्लाइड करेगा। अब जो पित्त प्रकृति वाले लोग हैं, जो हवा वाले लोग हैं, अब उनको मैं बोल दूं कि तुम बहुत लेट जल के खाना खाओ तो वो पागल हो जाएंगे। उनके लिए एक्सेप्शन है कि वो 9:30 बजे जो हम ब्रेकफास्ट का टाइम डिसाइड कर रहे हैं, इट्स बिटवीन कफ एंड द पित्त पीरियड, दे शुड हैव दैट ब्रेकफास्ट, दे कैन हैव मील। बट जो हैवी वाला आदमी है उसको तो अपना जितना पोस्टपोन करके कफ से पित्त के बीच में चला जाए, जो कि 10 से लेकर 2 बजे का पीरियड है, उसके बीच में एनीवेयर बिटवीन 11:30-12 he should have the first meal, that's the brunch. So what we call brunch is meant for the kapha who are heavy, who want to reduce weight, and 9:30 is the person who can have a meal who are on the lighter side. You cannot so one I was talking about raw this thing. Second was you can take when the agni is on fire, then you can take bits of salads. Us jaldi bhi agni mein everything gets burned. But at the beginning of the meal, if you have these salads or jo salad bars bane hue hain aur tarah tarah ke salads, no. Not done. With the meal you can have. अब अगर कभी आप इंडिया में ट्रेन में, हम तो चले हैं जबकि एसी नहीं था, तो इंडिया में स्टेशन पे दो तरह का सैलेड बड़ा कॉमन मिलता है, एक खीरा और एक ककड़ी, ठीक है। खीरा एंड ककड़ी इफ यू सी दे आर फ्रूट्स, दे आर वेजिटेबल्स बट दे आर फ्रूट्स ऑफ अ प्लांट। एक प्लांट में तीन पोर्शन होते हैं, एक जड़ जो जमीन में है, एक तना जो कि बीच में है, एक ब्रांचेस और एक फल। तो एवरीवन ऑन दिस अर्थ हैज कम टू रिप्रोड्यूस, एवरीवन ऑन दिस अर्थ हैज कम टू रिप्रोड्यूस, द प्लांट्स द एनिमल्स ह्यूमन बींग्स, दैट्स द एक इंटरनली ट्यून्ड होता है, एक जो सिग्नल डाला होता है ना बाय बर्थ, जेनेटिकली ट्यून्ड है कि आपको एक प्रोडक्शन करना है। सो The best part of a plant is the fruit. तो जो फल है वो प्लांट का सबसे अच्छा पोर्शन होता है। तो फल एज अ फ्रूट, जैसे अनार खा लिया, आम खा लिया, सेब खा लिया, बट फ्रूट एज अ वेजिटेबल, जैसे खीरा ककड़ी, और सब्जियों में जैसे घिया तोरी टिंडा, ये सब फ्रूट्स है। अगर आप प्लांट का देखोगे तो दे आर फ्रूट्स ऑफ द प्लांट। फिर आ गया तना, गोभी का जो ग्रंथल खाते हैं, फिर आते हैं पत्ते, हम पालक के पत्ते खाते हैं, सरसों के पत्ते खाते हैं, और फिर आ गया जड़, आलू हो गया, मूली हो गया, गाजर हो गया, शलजम हो गया, ठीक है। तो सब्जियों में क्या है कि जो जड़ है इट हैज गॉट मोर ऑफ वॉटर एंड अर्थ, तो अगर हेवी आदमी जड़ खाएगा तो वो मोटा हो जाएगा, ठीक है। जो हवा में जो फल होता है, फल एवरीवन के लिए, ठीक है। तो
जो खाना भी है जो सब्जी भी है जो बोलते हैं ना कि आलू मत खाओ, जैन में बोलते हैं आलू मत खाओ, प्याज मत खाओ, दे ऑल हैव मोर ऑफ अर्थ एंड दिस एलिमेंट वन एंड बिकॉज व्हेन यू अपरूट इट उसके साथ जानवर जो छोटे छोटे अटके होते हैं वो भी उनके साथ आ जाते हैं. सो दैट इज व्हाई अगर हम उसको रिलीजन के साथ ना जोड़े तो लोग छोड़ेंगे नहीं, इसलिए जगह जनरेटरी सूत्र बना दिया गया. You have to connect it with some religion, some context that then you will not eat it. Then the next period of the day is from 12 o'clock to 2 o'clock. That's the time you should. Sorry, 10 o'clock to 2 o'clock is the time you should. Do everything which is related to fire, which is related to food, which is related to digestion. Eat, 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 and you will digest everything. Then from 2 o'clock to 6 o'clock is the period of air and space. That's the period of intellect. Sochiye. Jo bhi aapne kaam kiya hai, so sochne wali cheezein us samay kijiye. Implement it. That time you will implement the best. And then the day sets in. From 6 o'clock the sunset starts. That is the time you should eat very less. And start for the preparation to sleep. Because the next period is शाम के 6 बजे से रात के 10 बजे का period is again the cuff period, which is the period of heaviness. If you start sleeping in that period, आप किसी भी समय 6 बजे से रात के 10 बजे के बीच में आप सो जाएंगे बड़े आराम से. कभी Alprax की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे कि मेरे को नींद नहीं आता. अगर आप उस पीरियड में सोते हैं तो मैक्स टू मैक्स 10 बजे तक सो जाएंगे. फिर रात के 10 बजे से लेकर रात के 2 बजे का पीरियड फिर पित्त का पीरियड. दैट इज द पीरियड जिसके बीच में फिर से फायर आता है, बट वो फायर डाइजेशन नहीं कर पाता क्योंकि सूरज नहीं होता. बट अगर आप जग जाते हैं 10 बजे के बाद तो आप फिर खाएंगे ही खाएंगे कुछ ना कुछ, और वो जो खाएंगे वो कभी भी नहीं पचेगा. और अगर डायबिटिक खा लिया तो कभी उसका शुगर फास्टिंग नॉर्मल आएगा ही नहीं. आप चाहे तो इंसुलिन लगा लीजिए या कुछ भी कर लीजिए. मैं तो अपने प्रैक्टिस में कर चुका. अब तो मेरे पास कई 100 पेशेंट हैं जिनको मैंने मोटिवेट करके बोला कि तुम सूर्यास्त के बाद अगर डायबिटिक हो तो खाओगे नहीं. अगर खाओगे तो मुझे पता चल जाएगा तुम्हारे शुगर से कि तुम खा रहे हो. बताओ कुछ भी गैप नहीं हो रहा. कबूतर को खाना खिलाते हैं ना सड़क पे, कभी देखना कि कबूतर के वहां पे जहां खाना खिलाते हैं वहां इतना इतना हीप ऑफ अनाज पड़ा रहता, कबूतर उड़ के अपनी जगह चला जाता, वो नहीं खाता. कई जानवर नहीं खाते हैं. कौन सा जानवर खाते हैं? जो कार्निवोरस है, बिकॉज दे हंट एट नाइट. शेर, चीता, बिल्ली, कुत्ता, ये रात में हंट करके खाते हैं. ठीक है, बिकॉज जब छुपा होता जानवर तभी वो देख नहीं पाता, इसलिए उसको हंट कर पाते हैं. उनकी आयु कितनी होती है? दे लिव फॉर 12 टू 14 इयर्स मैक्स टू मैक्स. 16 इयर्स इज द मैक्सिमम एनी कार्निवोरस एनिमल लिव्स. But if you see a herbivorous animal which eats at the right time, unki age hoti hai 25, 30, 60, 80, 100 and 200 years. Then from 10 to 2 okay, is the pit period. From 2 o'clock at night to 6 o'clock in the morning is again the period of the air and space. That's the period of intellect. Agar aap 3 baje uthte ho to usse zyada to space ko padh hi nahi sakte. अगर आप 4 बजे उठते हो तो भी पढ़ पाओगे, 5 बजे उठते हो तो भी पढ़ पाओगे. इट वुड बी पीक एक्सेलेंस टाइम अगर कोई बच्चा उठ के सुबह सुबह पढ़ता है. अगर कोई बच्चा कंप्लेन करता है कि मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं तो उसको इस समय कोशिश करके उठे और देखो कैसा पढ़ता. हम 2 बजे रात तक जगे होते हैं पढ़ने के, लगे होते हैं कि हमें याद हो जाए, कुछ नहीं याद होता, बस मोटा सर घुमा रहे होते. क्योंकि बॉडी होता क्या है कि बॉडी सोने की कोशिश कर रहा है और आप खाना खाए हुए पेट के अंदर अंदर पेट चल रहा है. तो यू कंसिडर योर स्टमक सेपरेट फ्रॉम योर माइंड. स्टमक इज पार्ट ऑफ द बॉडी. सिर्फ खाना एक थैली में तो नहीं गया ना, इट हैज टू डाइजेस्ट, इट हैज टू एसिमिलेट. सो द होल प्रोसेस इज गोइंग ऑन एंड यू आर काउंटरिंग द प्रोसेस. तो ये सारी चीजें जो हो रही है यही डिजीज कॉज कर रही है. आप अमेरिका जाइए, आप यूरोप जाइए, कितना भी कचरा खाते हैं वो लोग, चीज खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, ड्रिंक करते हैं, 6 बजे के बाद नहीं खाते.
7 o'clock the restaurants close in US. They don't eat. But sir, UK Britishers, they eat in the evening only. Evening only, bol raha hu. So, yahan se pehle khate hain. Whole of US sleeps at 9 o'clock. Go, don't talk about Saturday, Sunday. Jab unka nightlife hota hai. Talk about the day. They sleep by 9 o'clock and they get up by 4 o'clock, 4:30. Whole of US, whole of Europe. Hum Indians pata nahi kahan se seekh rahe hain ki na 12 baje khao, 10 baje khao, 11 baje khao, sab khana to ja hi raha hai, pach hi jayega. Kuch nahi pach raha, bimari ka cause kar raha. Ab wapas jana shuru karo, apne andar se bimari jane lagegi. Kyunki body hamesha apne ko balance mein lane ki koshish karta hai. Whenever the causative agent goes off, you start healing yourself. Ek healing ka aur bahut acha process hai, vrat. Vrat har jagah hota hai. आप इस्लाम में देखिए 30 दिन का व्रत होता है, आप क्रिश्चियंस का देखिए 40 दिन का व्रत होता है, और हमारे यहाँ जो सोमवार का व्रत, मंगलवार का व्रत, बुधवार का, हर दिन एक भगवान के साथ जोड़ दिया गया कि किसी दिन तो तुम व्रत करो, किसी भगवान को याद करके, बिकॉज जो भी आप एक हफ्ते में खाए हो उसको हटाने का सबसे अच्छा तरीका व्रत. बॉडी विल ट्राई टू कम बैक टू इट्स बैलेंस. Vrat is vrat. It's fasting. Not eating no salt or no this diet. Fasting is fasting. You have to give stop to your digestion process. And body comes back to equilibrium. So vrat is a healing technique in our system. So, ये तो हो गया दिनचर्या. अब आता है मनचर्या, योर मेंटल. अब हम हर बच्चे को बोलते हैं कि मेरा बेटा, मैं डॉक्टर हूं तो मेरा बेटा भी डॉक्टर ही बनेगा, मेरे फादर डॉक्टर थे तो मैं भी डॉक्टर ही बनूंगा, खत्म. इसी से इंडिया में जाति प्रथा शुरू हुई. ये जो जाति प्रथा शुरू हुई वो इसी से शुरू हुई कि मैं ब्राह्मण तो मेरा बेटा भी ब्राह्मण, मैं ये तो मेरा बेटा भी ये. कभी भी नहीं था. अगर ये जो एयर और स्पेस वाला आदमी है, अगर इसकी जो नेचर है वो घूमने की है, इसको आप रिसेप्शन पे बैठा दीजिए, इसको एक जॉब दे दीजिए, डेस्क जॉब, ये कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा. हर मिनट उठ के जाएगा सेलफोन पर बात करता है, हर मिनट उठ के जाएगा सिगरेट पीने के लिए, हर मिनट उठ के जाएगा कुछ ना कुछ करने के लिए, क्योंकि बैठ नहीं सकता टिक के. इसको आप प्रोफेशन दीजिए, आप ट्रैवलिंग का, आप इसको आर्ट एंड फॉर्म का, डांस का दीजिए प्रोफेशन, बहुत खुश रहेगा. क्योंकि इसके वो मेंटल उसके साथ ये चल रहा है. वही आप एक कफ वाला आदमी जो कि हैवी है, उसको बोलेंगे तुम तो भाई मार्केटिंग बन जाओ, तुम तो ट्रैवल एजेंट बन जाओ, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते ही थक जाएगा. उसको बोलेंगे तुम रिसेप्शन पर बैठो, तुम एक पर्टिकुलर टाइप का काम लगातार करते रहो, वो खुश रहेगा. उसको स्टेबिलिटी ऑफ जॉब चाहिए. अगर उसके जॉब में उसको निकाल दिया जाएगा तो वो टेंशन में चला जाएगा. पर एक हवा वाले आदमी को तो जॉब फट फट चेंज करेगा, वो कहीं खुशी नहीं रहेगा, वो यहां पर उसका मन उठ जाएगा मेरे को दूसरे जॉब में जाना है, मेरे को तीसरे में जाना है. तो लेट द चाइल्ड थिंक अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड चूज अ जॉब अकॉर्डिंग टू द नेचर. तो फिर क्या लिखा गया अथर्ववेद में कि 10वें दिन तो उसकी शारीरिक प्रकृति पता करो, जिससे कि उसको मां खाना खिला के उस तरह से प्रकृति चेंज ना हो. और 10वें साल बच्चे को फिर गुरु के पास छोड़ो 7वें साल में, जिससे 10वें साल तक आइडेंटिफाई करे कि इसकी क्या मानसिक प्रकृति है, जिससे कि वो उस प्रोफेशन में उसको डाले जिसमें वो सूट करे. तो गुरु यूज टू चूज द प्रोफेशन नॉट द जाति. जो वर्ण व्यवस्था था वो द इंटेलेक्ट व्यवस्था. So, what Vyavastha used to choose the profession where the person is to go, not where he is born. So, you had the whole population, which was a creative population, which were working according to the mental abilities. और इस चीज को मैं एक दिन नेट सर्व कर रहा था, तो हिटलर ने बोला कि मैं इतनी छोटी जर्मनी का पूरे वर्ल्ड को ऑक्यूपाई करना चाहता हूं. उसको ये एक अजम्पशन था कि आर्यंस जर्मनी से इंडिया आए, सो ऑल द वैदिक नॉलेज इज इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो उसने मिसलीज भेजे कि यहां से इंटेलिजेंट लोगों को लेके आओ मेरे पास, जो कि इंटरप्रेट करें इसको,
और उसमें से क्या निकले, उसमें से यही निकला. तो जर्मनी स्टार्टेड डिवाइडिंग दिस होल पॉपुलेशन इनटू लीडर्स, इनटू क्रिकेटर्स, इनटू स्विमर्स, इनटू दिस 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 दिस, सो दैट विद द स्मॉल पॉपुलेशन दे गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट. सो इफ यू सी टू कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच आर स्मॉल एंड रूलिंग द वर्ल्ड इज जर्मनी एंड जापान. जापान में बुद्धिज्म के थ्रू ये चला गया नॉलेज, वो डिवाइड करने लगे. जर्मनी में उसने बुला के डिलीबरेटली इसको किया कि इसको डिवाइड करो, एंड विद दैट डिविजन द बेस्ट एचआर पॉलिसी एवरीवन वाज हैप्पी एंड एवरीवन एंड जर्मनी बिकेम अ वर्ल्ड कप. उसका दिमाग उल्टा गया अलग बात, उस दिमाग से वो गलत सोच रहा था और बात, बट उसने अपने पॉपुलेशन को मैक्सिमम यूज करने के लिए यूज. देन ये जो मैंने तीन प्रकृति बोली, ये तीन प्रकृति बहुत ही स्पेसिफिक होती हैं. तीन और प्रकृति हैं जो कि मोर कॉमन है, वो है जिसमें कि मिक्सचर ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड एंड फर्स्ट, इनका मिक्सचर होता है. तो ये जो मिक्सचर होता है दैट्स मोर कॉमन. 70% ऑफ द पॉपुलेशन इज मिक्सचर, 20% ऑफ द पॉपुलेशन इज वेरी स्पेसिफिक एक एक प्रकृति, एंड 10% ऑफ द पॉपुलेशन इज सौम्य, जिनमें ये तीनों प्रकृति बराबर होती है. They are the persons who are the entrepreneurs. They are the out-of-box thinkers. Because usme jo teeno prakriti hai aur soch hai. So they are the persons who are controlling the world. Whether it's leaders, whether it's business, whether it's anything. They are the ones. Jinmein ye saumya prakriti. Now, agar hum bole ki hum bolte Hinduism is a way of life. This is way of life. तो अगर आप देखेंगे कि हमारे तीन देवी देवता जिनको हम पूजते हैं, भगवान शिव, भगवान विष्णु, ब्रह्मा, तो अगर आप देखेंगे एक चित्र को अपने दिमाग में लाइए, भगवान विष्णु का, महादेव का और ब्रह्मा का, तो आप महादेव के हाथ में देखेंगे कि हर हाथ में लड़ाई का ही सामान है, त्रिशूल है ये. विष्णु के हाथ में देखेंगे कि एक हाथ में सुदर्शन चक्र है, बाकी हाथ में शांति का चीज, और ब्रह्मा के हाथ में देखेंगे कि हर हाथ में शांति का चीज है, कोई भी लड़ने का चीज नहीं. तो ये जो 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 फिजिकल जो पिक्चर्स बने हैं जो हमारे जहन है, वो इसलिए बने कि वी गेट ग्रेविटेटेड टूवर्ड्स दिस गॉड, बिकॉज ये हमारी प्रकृति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो ग्रेजुअली we gravitate towards this god, जो भी जिस प्रकृति है. फिर मुंबई में गणेश की इतनी महिमा, वो इसलिए क्योंकि वो सौम्य है, he represents everyone, तो हर आदमी उनको अट्रैक्ट करता है, बिकॉज उनकी जो प्रकृति है वो सौम्य प्रकृति, मोटे भी है और तेज भी है, सूर्य लंबा भी हवा में घूमता है, तो he is सौम्य प्रकृति. तो सौम्य प्रकृति का इंसान हर एक को भाता है. So he is leader of leaders. So हर लोग पूरे के पूरे इंडिया में गणेश जरूर रखते हैं. अगर आप इनकी अर्धांगनियां देखें तो शिव की अर्धांगनियां पार्वती हुई, काली हुई, सती हुई, अलग, क्योंकि शिव तो विष्णु की अर्धांगनी लक्ष्मी हुई, बड़ी सुंदर स्वर्ण से सुंदर दिव्य, बहुत सुंदर विष्णु खुद सुंदर कमल के ऊपर खड़ी हैं, एक स्वर्ण मुद्रा अपने हाथ से ऐसे गिरा रही हैं, जो आपका धन है वो ऊपर नीचे हो सकता है, कमल में पानी ऊपर नीचे जा रहा है, आप सब तरफ बांटोगे तो सब कुछ पाओगे, ठीक है. और ब्रह्मा के जो अर्धांगनी है वो सरस्वती हैं, पत्थर के ऊपर बैठी हैं, वीणा ली हुई है, जो आपका ज्ञान है वो अडिग. तो आप जो बोल रहे थे कि मेरे को कोई पूछता नहीं, इनका ज्ञान अडिग, तभी लोग इनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये लिख रहे हैं तो लोग लाइक कर रहे हैं, ये अपने ज्ञान से लिखे जा रहे हैं. तो जो सरस्वती है वो ज्ञान की देवी है, ज्ञान अडिग है. तो जो फीमेल पार्ट और जो मेल पार्ट इज इन हिंदुइज्म इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, अब उनके साथ भांति भांति की कहानियां जोड़ लीजिए वो अलग से, बट जो क्रक्स ऑफ द मैटर है वो ये है कि आर वी फाइंड आर रिप्रेजेंटेशन इन वन ऑफ दीज थ्री, हम इनको देख के खुश होते हैं,
कोई इनको देख के खुश होता है, कोई इनको देख के खुश होता है, कोई इनको देख के खुश होता है, क्योंकि जो ब्रह्मा वाला जो दिमाग है बहुत ही शांत, बहुत ही वो है। तो कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि मेरा बेटा ब्रह्मा को फॉलो करे, संन्यास को फॉलो करे, वो तेज को फॉलो करे। इसलिए ब्रह्मा की मंदिरें कम बनी, नॉट की वो जो कहानी से। और बाकी लोग जो जो अपना रिप्रेजेंटेशन था उस मंदिर में दान दे देकर उसको मंदिर को बनाया। जो जो शिव का मंदिर आप देखेंगे तो शिव का मंदिर थोड़ा डिसऑर्गेनाइज होता है, वहां पे जल चढ़ाया जा रहा है, वहां पे बेलपत्र चढ़ाया जा रहा है, एक प्रमोशन रहता है, एक ऑर्गेनाइज बिहेवियर वो नहीं रहता। वो मंदिर बहुत अमीर भी नहीं होता, उसके पास मुद्रा बहुत कम होती है। पर जो विष्णु के मंदिर आप जो भी देखेंगे वहां मुद्रा बहुत ज्यादा होता है, सोना चढ़ावा, मतलब वहां जो पुजारी भी होते हैं वो भी बड़े सुंदर गेरुआ वस्त्र में होते हैं, तिलक लगाया होते हैं, स्वर्ण कंठा रखाया होते हैं उन्होंने। जो शिव के भक्त होते हैं वो अपना गोरी है तांडव भी कर रहे हैं, अपना गांजा भी पी रहे हैं, अपना सब कुछ कर रहे हैं, मस्त, जो उनका नेचर है, मस्त रह रहे हैं। सर, हाउ लॉन्ग इट विल कंटिन्यू, बिकॉज आई हैव मेनी क्वेश्चंस फॉर विच अगेन देयर विल बी वन आवर, सो आई विल बी पुटिंग क्वेश्चंस ओनली इन अ क्वेश्चनेयर फॉर्म।